आराधना के केंद्र आचार्य भगवान परम पूज्य गुरुदेव युमेश मुनि जी महाराज साहब के पावन पुण्य चरण कमल में भाव सहित मुंडन नमस्कार। गणनायक क्रियानिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव विजिनेन्द्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पुण्य चरण कमल में कोटि शह वंदन नमस्कार। उपस्थित मंचासीन सभी पदाधिकारी, पाठशाला संचालकगण, पाठशालिका संचालिकागणा, संघ के वरिष्ठ सेविका, नन्हे मुन्ने बच्चे और बाहर से पधार हुए समस्त पाठशाला की संचालिका और नन्हे मुन्ने बच्चे, सबसे पहले एक बार जयकारा लगा लो, कृष्णानंदन वीर की, कृष्णानंदन वीर की, माँ के नंदन। छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, अब मैं आपसे दो तीन बैठे बच्चे मुद्रा वाले हो, आपसे पूछ रहा हूँ आप कहाँ रहते हो, जल्दी से उत्तर बताइए। नहीं पता नागदा वाले, आप कहाँ रहते हो? नागदा, ये तो मैं ही बोल रहा हूँ, आप नागदा वाले। बदनावर वाले, आप कहाँ रहते हो? घर में। अलग अलग अपेक्षा से उत्तर है, हर क्षेत्र में सही उत्तर। क्या नाम है आपका? मित चौधरी, नागदा से। नागदा के बच्चों से प्रश्न है, किसका शासन चल रहा है? भगवान महावीर स्वामी का। सही उत्तर है, आप गेम है, एक उत्तर सही है और एक उत्तर हो सकता है इसका। हम जिन नहीं है, आप कौन है तो इसका उत्तर होगा हम जीव है। कौन है? जीव है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न जिनको आपको पढ़ाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा उत्तर दिया। बंधुओं, शरीर को चलाने के लिए जैसे भोजन पानी और श्वास की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में सद्गुणों को खिलाने के लिए संस्कार की आवश्यकता होती है। और संस्कार केवल पाठशाला में ही दिए जाते हैं, पाठशाला में ही संस्कारों की गुड्डी पिलाई जाती है। जो बच्चे पाठशाला में आते हैं वे संस्कारों को अच्छे भलीभांति से अपने जीवन में उतारते हैं। अब जीवन में ज्ञान की सबसे नितांत आवश्यकता है और पाठशाला में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। वास्तव में ज्ञान तो सीखना ही चाहिए, क्योंकि ज्ञान के बिना नर पीरियन के समान बताया गया है। इसलिए मनुष्य जन्म में आए हैं तो हमें ज्ञान होना ही चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि ज्ञानवान से होने ज़्यादा जरूरी है। व्यक्ति ज्ञानवान थोड़ा कम होगा तो चलेगा, लेकिन उसमें विनयवान होने का गुण सबसे जरूरी है। ज्ञानवान होना उतना जरूरी नहीं है जितना कि विनयवान होना जरूरी है। भगवान महावीर देव की अंतिम देशना, बच्चों से प्रश्न पूछ रहा हूँ, भगवान महावीर की अंतिम देशना कौन सी है? भगवान महावीर की अंतिम देशना, ये अंतिम देशना नहीं है। भगवान महावीर की जो अंतिम देशना है वो उत्तराखंड सूत्र में भगवान ने जो 36 अध्ययन फरमाए हैं उसमें सबसे पहला जो अध्ययन है वह विनय का है। विनय का सबसे ज्यादा महत्व बताया गया है, क्योंकि जिसमें विनय गुण नहीं होता है और वह ज्ञान बहुत सीख ले तो उसे ज्ञान का अहंकार हो जाता है और वह उसके सारे गुणों को नष्ट कर देता है। इसलिए ज्ञानवान होने से ज्यादा जरूरी है विनयवान होना। विनय अर्थात क्या? विनय अर्थात झुकना, नमना। एक ऐसा विनय गुण ही है जो जीवन में अगर आ गया तो उस विनय गुण के कारण से बहुत सारे गुण हमारे जीवन में आ जाते हैं। विनय गुण आया तो विनम्रता आई, सरलता आई, सौम्यता आई, सहजता आई और माया रहितता आई। इस प्रकार के ढेर सारे गुण हमारे जीवन में आ सकते हैं, इसलिए विनय का विशेष महत्व है। विनय अर्थात होता है झुकना, नमना। एक धनुष और बाण आपने देखा ही होगा, अगर बाण को छोड़ा जाए धनुष के माध्यम से तो धनुष को क्या करना पड़ता है? धनुष जाएगा, अपने निशाने पर पहुंच जाएगा। अगर हमें भी अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? झुकना ही पड़ेगा। और झुक
रुकेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। बच्चे पाठशाला में आते हैं तो बच्चे दो बात विशेष रूप से सीखते हैं। सबसे पहले सीखते हैं अनुशासन और दूसरा सीखते हैं संस्कार। अभी यहाँ पर सब अनुशासित बच्चे बैठे हैं, यह अनुशासन सीखा कहाँ से? यह अनुशासन हमने सीखा है पाठशाला में, क्योंकि जब हम पाठशाला में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर अनुशासन का पाठ हमें पढ़ाया जाता है और जब अनुशासन जीवन में आता है तो हम ज्ञान सीखने के लिए लालायित होते हैं और ज्ञान सीखने से हमारे जीवन में संस्कार उत्पत्ति होती है। जिसके जीवन में संस्कार आ गया वह कभी भी अपने जीवन में भटकेगा नहीं, गलत दिशा में जाने वाला नहीं है। आपने सुई और धागे को भी देखा होगा, सुई के अंदर धागा पिरोया हुआ रहता है। मान लो कि सुई में धागा पिरोया हुआ नहीं है और वह सुई कहीं गिर गई तो आसानी से मिलती नहीं है, लेकिन उस सुई में धागा पिरो दिया जाए तो वह सुई आसानी से मिल जाती है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में संस्कार की धागे को पिरो दिया जाए तो हमारा जीवन इस संस्कार में कभी भी गलत दिशा में जाने वाला नहीं है। यह संस्कार की गुटी पाठशाला में पढ़ाई जाती है। बदनावर संघ में आज पाठशाला के बच्चों का और बदनावर के ही क्या, आसपास की सभी गांवों के नगर के यहाँ पर पदाधिकारी पाठशाला का संचालन कर रहे हैं और बच्चे आए हैं। वास्तव में पाठशाला के बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए यह जो बदनावर से कदम उठाया गया बहुत ही अनुमोदनीय है, सराहनीय है। यह जो अनुपाल मेला की प्रचलन की प्रथा चली है, वास्तव में भी अच्छे भैया भी बता रहे थे कि बदनावर में ही आप नवयुवकों के कई संस्थाओं ने, कई समाजों ने और कई संघों ने इस परंपरा को अपनाया और आज गण के कई संघों में इस प्रकार से बच्चों में उत्साह वर्धन करने के लिए इस प्रकार के अनुपाल मेले का आयोजन किया जाता है। आयोजन करना वास्तव में बहुत परिश्रम का काम होता है। निश्चित रूप से बदनावर के यह जो पाठशाला संचालक की टीम है, नवयुवक मंडल की टीम है और संघ के जो सदस्य हैं, सबने मिलकर अथक प्रयास किया है तो इतना बड़ा मजमा आज यह बदनावर में देखने को मिल रहा है। मैं पाठशाला के संचालकों संचालकगण से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि पाठशाला में ज्ञान सिखाया जाता है, अनुशासन सिखाया जाता है और संस्कार भी दिए जाते हैं, तो होना ही चाहिए। मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि आप बच्चों को थोड़ा प्रैक्टिकली ज्ञान भी पाठशाला के अंदर देना शुरू करें, थोड़ा सा व्यवहारिक ज्ञान भी उनको देना शुरू करें। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी पेटलावद में और मेघनगर में जो डॉलर दिए जाते हैं उन डॉलर से बच्चों को कहा गया कि अपने डॉलर को लेकर गौशाला में चलिए और अपने डॉलर के माध्यम से चारा खरीद कर उन गायों को वह आहार डाल दीजिए। बहुत अच्छा प्रयोग हुआ, बच्चों ने बड़े उत्साह से उन डॉलर का उपयोग दान के रूप में किया। इससे बच्चों में दान देने की भावना का विकास होता है। तो ऐसा प्रयास यह प्रैक्टिकली प्रयास है, वास्तव में ऐसा करने से बच्चों में और उत्साह आएगा और दान देने की भावना का भी विकास होगा। इसके साथ ही साथ प्रैक्टिकल रूप में आप ये भी कर सकते हैं बच्चे और उनसे यह बच्चों को सिखाए कि इन बच्चों ने इन लोगों ने अपराध किया है तो अपराध की सजा क्या होती है, जेल होती है। जब बच्चे उन खेलों से रूबरू होंगे तो उनसे अनुभव के माध्यम से बहुत कुछ सीख पाएंगे। इस प्रकार से बच्चों को धार्मिक ज्ञान देने के साथ साथ में कुछ प्रैक्टिकल ज्ञान भी दिया जाए तो निश्चित रूप से बच्चों का और तेजी से संस्कारों के माध्यम से तीव्र गति से विकास होगा। यह ऐसा मेरा साथ में समाज में एक मजबूत नींव की भी स्थापना कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। बदनावर संघ ने निवेदन किया, बदनावर संघ अपना संघ है, परिषद पद में भी आने का अवसर प्राप्त हुआ, आज पुनः आपके समक्ष यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से मैं पूरे श्री संघ को, नवयुवक मंडल को, पाठशाला संचालक मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। इसी तरह से बच्चों के उत्साह वर्धन के कार्यक्रम होते रहे, प्रैक्टिकली भी करवाए और अनुभवी